सीक्रेट एबिलिटीज ऑफ फ्री फायर कैरेक्टर। गाइस यार, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी इसका पार्ट वन और तुमने अच्छा रिस्पांस दिया, तो ये लो यार पार्ट टू लो इसी बात पे। लेकिन गाइस यार, एक रूल है, अगर आपको मेरे बताया वो कोई भी एबिलिटी के बारे में पता था ना, तो कमेंट में जरूर से बता देना, ठीक है? ठीक है। सो गाइस यार, इस वीडियो में हम टोटल 6 कैरेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। बात करते हैं यार नंबर 1 कैरेक्टर के बारे में। अब देखो गाइस यार, जो हमारा पहला कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है ज़ेनी। आप लोग को पता होगा गाइस, इसका जो एबिलिटी अपडेट के बाद चेंज हो चुका है। जब आप इसका कैरेक्टर यूज करके मेडिकेट मारोगे तो गाइस यार आपको 75% एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर HP। जैसे मान लो गाइस यार, एक मेडिकेट में आपको 100 HP मिलती है, तो इसको यूज करके आप जब करोगे मेडिकेट तो आपको मिलेगा 175 HP। यार इसकी जो सीक्रेट एबिलिटी है वो ये है गाइस, कि जब मान लो आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड लास्ट मोमेंट पे जब ये खत्म हो गया तब भी आप स्टार्ट कर रहे हो मेडिकेट मारना, तो भी गाइस यार आपको पूरा मतलब 100+75 यहाँ पर आप लोग को टोटल HP मिलेगी। यानी कि गाइस यार लास्ट मोमेंट पे भी ये HP देगा ये कैरेक्टर, ठीक है, मतलब लास्ट मोमेंट पे भी मेडिकेट मारोगे ये कैरेक्टर खत्म हो जाएगा तो भी आपको यहाँ पर HP मिलेगी। नंबर 2 पे बात करेंगे गाइस यार हम यहाँ पर सैंटिनो के बारे में। आप देखो यार, इसके बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन गाइस देखो सैंटिनो का एक एबिलिटी ये भी है गाइस, जब आप पानी पे सपोज ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, एंड यहाँ पे उस साइड बंदा है, लेकिन गाइस यार इसको ऑन कर दिया तो गाइस यार ये पानी के नीचे भी ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, यानी पानी के ऊपर भी ट्रेवल कर लेगा ऐसा समझ लो, ठीक है। सैंटिनो पानी के ऊपर भी यूज हो जाएगा, अब आपको एनिमी मार नहीं पाएगा। तो क्या लगी गाइस इसकी सीक्रेट एबिलिटी, एक लाइक कर देना इस वीडियो को। चलो चलते हैं पार्ट 3 पे। गाइस यार, जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है वो है सिरू। गाइस यार इसका एबिलिटी ये है कि जब एनिमी आप पे 100 मीटर के रेंज में फायर करेगा तो वो खुद ही मार्क हो जाएगा। लेकिन गाइस यार इसका जो सीक्रेट एबिलिटी है ना वो ये है कि गाइस यार आपको 100% आर्मर प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब आप सोचोगे इसका मतलब क्या है, तो गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो एनिमी के पास वेस्ट है, ठीक है, तो गाइस यार आपके बुलेट से जो फर्स्ट एमो निकलेगी ना वो इसको 100% डैमेज देगी, मतलब बिना वेस्ट के भी होता तो उतना डैमेज पड़ती है। और इसके लिए आप EWM यूज़ कर सकते हो, जैसे एनिमी आप फायर करें उसके बाद आप EWM यूज़ करोगे गाइस तो पूरा डैमेज पड़ेगा, मतलब वेस्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो गाइस ये कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा निकला यार, तो इसी बात पे कर दो एक लाइक ना। तो चलो चलते हैं आगे, एंड आगे बताते हैं गाइस यार हमारे नंबर 4 कैरेक्टर के। गाइस यार नंबर 4 पे जो हमारा कैरेक्टर है वो है गाइस यार ओथो। अपडेट के बाद गाइस यार इसका भी एबिलिटी चेंज हो गया है। यानी कि गाइस यार इसका जो एबिलिटी है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप 20 मीटर के सर्कल में एनिमी नॉक करते हो तो गाइस यार उसके अंदर जो भी बंदे हैं उनका गाइस यार मूवमेंट स्पीड 4 सेकंड के लिए स्लो हो जाएगा और वो मार्क हो जाएंगे। लेकिन गाइस सपोज करो एनिमी आपको नॉक कर देता है तो भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, एनिमी अगर 20 मीटर के अंदर जो भी है वो मार्क हो जाएंगे एंड उनकी जो मूवमेंट स्पीड है वो 4 सेकंड के लिए यहाँ पर स्लो हो जाएगी। तो गाइस यार ये बात आपको पता थी कि नहीं, कमेंट में जरूर से बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, अगर पार्ट 2 चाहिए तो बता देना कमेंट में, ठीक है। पार्ट 2 में आपको 5 एंड 6 बताऊंगा मैं यहाँ पर। लव यू ऑल, बाय बाय।